नमस्ते, आज हम बनाएंगे ब्रेड से गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन बनाने में बहुत ही इजी और टेस्टी लगते हैं। सामान भी इसके लिए बहुत ही कम चीज़ चाहिए। ऑयल चाहिए आपको, ब्रेड चाहिए और चीनी चाहिए बस। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ हमने 6 ब्रेड लिया है, 6 ब्रेड के स्लाइस हैं। इसके किनारों को हम काट लेते हैं। काट करके इसको मिक्सी में डाल करके ग्राइंड पीस लेंगे। ब्रेड के ब्राउन पार्ट्स हम काट लिए हैं, अब सारे तोड़ करके मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। ब्रेड मेरा अच्छे से ग्राइंड हो गया है, देखिए एकदम ब्रेड क्रम्स बन गया है। अब इसको एक बर्तन में हम डाल करके इसको दूध डाल करके गूंथेंगे। ये ब्रेड क्रम्स में हम एक चम्मच दूध की मलाई डाल रहे हैं। अगर दूध की मलाई नहीं है तो घी भी आप एक चम्मच डाल सकते हैं इस जगह पे, देसी घी। अब हम दूध लेंगे और धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे। एक जैसे रोटी बनाते हैं उस आटे की तरह हम इसको गूंथेंगे। एक चम्मच और डालेंगे। बहुत गीला भी नहीं होना चाहिए, बहुत सख्त भी नहीं। अच्छा डो बन गया है। इसको 10 मिनट या 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम रख देते हैं ढक करके। गुलाब जामुन की चाशनी के लिए यहाँ पे हम एक कटोरी चीनी ले रहे हैं और उसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। 1 कप और आधा कप और डालेंगे, 1.5 कप पानी डालना है। जिस कप से 1 कप चीनी लिए हैं उसी कप से 1.5 कप हम पानी लेंगे। लगातार इसको चलाते हुए चीनी को मेल्ट करेंगे। चीनी अच्छे से घुल जाए और बस उतना चिपचिपा हो जाना चाहिए। जब चीनी पक जाएगा तो गैस ऑफ कर देंगे। उधर हम कढ़ाई रखते हैं ऑयल डाल करके। उधर मेरा सीरा पक रहा है, तब तक हम कढ़ाई में घी डाल करके गरम करते हैं ऑयल डाल करके। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, 15-20 मिनट हमने रख दिया था इसको। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां हम बना लेते हैं मीडियम साइज के। इसमें हम किशमिश अंदर भर लेते हैं। किशमिश डालना ऑप्शनल है, उसकी जहाँ पे आप कुछ भी मत डालिए, या तो आप ड्राई फ्रूट्स कोई भी डाल सकते हैं। फोल्ड करके बिल्कुल दोनों हथेलियों से ऐसे गोल कर लेंगे। इसी तरह हम सारे बना लेते हैं। देखिए मेरे सारे गुलाब जामुन बन गए हैं अच्छे से और इधर सीरा भी मेरा पक गया है। इस सीरे में हम हरी इलायची इसको तोड़ करके बस इस तरह डाल दे रहे हैं। अगर आपका चीनी गंदा हो तो उसमें दूध या नींबू डाल सकते हैं। मेरा चीनी बिल्कुल पक के तैयार भी हो गया है, अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। घी मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम सब डाल देते हैं सारे गुलाब जामुन। यहाँ पे हमने एकदम लो फ्लेम कर दिया है। नीचे से पक जाएगा तो पलटेंगे, ऊपर ऐसे घी डाल देते हैं। जिस तरह गुलाब जामुन हम लोग तलते खोए का उसी तरह इसको तलेंगे ब्राउन कलर होने तक। गोल्डन कलर, देखिए ब्राउन कलर हो गया है मेरा। अब इसको हम थोड़ी देर में निकाल देते हैं। देखिए एकदम कलर कितना अच्छा लग रहा है इसका। अब हम इसको निकाल देते हैं। गुलाब
गुलाब जामुन हम सीरे में डाल देते हैं। डाल करके 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। दो घंटे बाद देखिए मेरा गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। सीरा बहुत अच्छे से उसमें घुस गया है। बहुत ही अच्छा टेस्टी भी बना हुआ, स्पंजी भी बना हुआ है। काट करके हम आपको दिखाते हैं कितना अच्छा बना हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।